सुषमा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से आज इस व्याख्यान के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। पेपर कोड बीएड स्पेशल एजुकेशन का है, जो कि बीएड एससी 95 के नाम से है। पेपर नेम जो आपका है, साइकोसोशल एंड फैमिली इशूज़ है। आज हम जो जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो इस यूनिट वन है कि फैमिली क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसकी परिभाषाओं को देखेंगे एंड उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके बारे में हम विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हम इसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट, परिवार क्या है। हम सभी जानते हैं, हम सभी एक परिवार का एक हिस्सा है, अंग है, इसलिए हम सभी को पता है कि हमारे परिवार कैसे बनता है, परिवार में कौन कौन से लोग होते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसके माध्यम से मैं इसे आप लोगों को समझाना या बताना चाहूँगी कि परिवार जो है सबसे छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है। परिवार क्या है कि एक सबसे छोटी इकाई, जैसे कि हम प्राथमिक समूह है, प्राथमिक समूह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि समूह जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारा परिवार होता है उसे हम प्राथमिक समूह कह सकते हैं। और जो अगला पॉइंट है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार बनती है। परिवार कैसे बनता है, परिवार हर परिवार का एक क्या होता है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, जैसे कि उनका अपने रीति रिवाज, उनके अपने नियम, हर परिवार के अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो इस सब को लेके हम क्या कहते हैं कि परिवार का निर्माण होता है। तो ये एक परिवार की एक भूमिका को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि परिवार क्या होता है। सबसे पहले तो परिवार को हम ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ विवाह के द्वारा हमें एक समाज से एक हमें स्वीकृति प्रदान होती है, कि जहाँ हम दो लिंग के व्यक्ति एक साथ जीवन निर्वाह कर सकते हैं और वो अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, उन बच्चों के साथ उनका उनकी देखभाल करने के लिए वो दोनों जिम्मेदार होते हैं। डिफिनेशन, सबसे पहले हम देखते हैं कि बीगस और लोके के अनुसार उनकी परिभाषा में उन्होंने परिवार को किस तरीके से परिभाषित किया है। परिवार की परिभाषा को बीगस और लोके के अनुसार देखते हैं कि परिवार व्यक्तियों का समूह है जिसमें कि विवाह के बंधन से एकजुट होकर रहते हैं, वे खून का रिश्ता जिसे ब्लड रिलेशन कहते हैं, या अपनाकर एक गृहस्थ परिवार का निर्माण करके पति और पत्नी, पिता और माँ, बेटा या बेटी और भाई बहन, उनकी सामाजिक भूमिका एक दूसरे से अंतःक्रिया या अंतः संप्रेषण करते हैं और इस प्रकार वे सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। तात्पर्य यह है कि परिवार व्यक्तियों का समूह है, जहाँ पर पति और पत्नी दो या दो से अधिक लोग होते हैं तो उसे हम एक समूह का नाम दे सकते हैं। तो उसे इस प्रकार से हम व्यक्तियों की जो समूह है जिसमें कि विवाह के बंधन से, विवाह का बंधन मतलब कि जो व्यक्ति विवाह करने के पश्चात एक साथ रहते हैं और एकजुट होकर रहते हैं, वे खून का रिश्ता या अपनाकर, खून का रिश्ता या अपनाकर कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि उनमें पति पत्नी और उनसे जो जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं उनमें क्या होता है, एक ब्लड रिलेशन बनता है। तो वो ब्लड रिलेशन होना चाहिए या अपनाकर कई बार जैसे होता है कि हम बच्चे को गोद लेते हैं, तो उस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि बच्चे को अपनाकर एक गृहस्थ परिवार, जब हम यहाँ माँ बाप बच्चे तो एक गृहस्थ परिवार का निर्माण करते हैं मिलके, पति और पत्नी, पिता और माँ, बेटा या बेटी और भाई बहन, मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ है यही है कि माँ बाप भाई बहन जहाँ इस तरीके के लोग मिलते हैं तो वहाँ पे हम एक परिवार का निर्माण करते हैं। उनकी सामाजिक भूमिका एक दूसरे से अंतःक्रिया, अंतःक्रिया का तात्पर्य यहाँ यह है कि उनका आपस में क्या होता है, एक दूसरे से संबंध होता है, अंतःक्रिया वो एक दूसरे के साथ मिल के कार्य करना, अंतः संप्रेषण मतलब कि आपस में उनका जो बातचीत है करते हैं और इस प्रकार वे एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि सामान्य संस्कृति जहाँ एक परिवार का परिवार में कई सदस्य होते हैं, उनके बीच आपस में बहुत सारे उनके अपने विचार होते हैं, वो विचार क्या करते हैं, एक संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो उस संस्कृति इस क्या हर परिवार का एक क्या कहते हैं, एक अलग कल्चर जो होता है डेवलप होता है, जिसको हम संस्कृति के निर्माण में वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो इस तरह से परिवार क्या है, एक प्राथमिक समूह का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैकाइवर के अनुसार परिवार की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि परिवार एक समूह है या वह समूह है जिसमें निश्चित यौन संबंध स्थापित करते हुए बच्चे पैदा करना और उनका लालन पालन करना शामिल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, परिवार की विशेषताएँ, परिवार की विशेषताएँ को हम इन निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि यौन संबंध,
यौन संबंध के लिए विवाह एक ऐसी संस्था, वैवाहिक संस्था है हमारे समाज में, जिसके द्वारा हमें यौन संबंध बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। दूसरा है आपका वंश नाम। वंश नाम से तात्पर्य यह है कि हर परिवार का अपना एक वंश नाम होता है, जैसे गोत्र हो गया या फिर आपका सरनेम हो गया है, तो हर परिवार का क्या होता है, वो एक निश्चित होता है। तीसरा है आपका आर्थिक व्यवस्था। परिवार को चलाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था एक बहुत ही मुख्य रोल भूमिका अदा करता है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था किसी भी परिवार में जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए हमें आर्थिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता पड़ती है। तो आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखना घर के मुखिया पर निर्भर करता है। जैसा कि हम बदलते परिवेश में देख सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था को पूरा करना पहले के समय में जो था कि सिर्फ पुरुषों की जिम्मेदारी होती थी, बट आज के का परिवेश बदल गया है और आज पुरुष और महिला दोनों मिलकर इस आर्थिक व्यवस्था में अपना सहयोग दे रहे हैं। अगला पॉइंट जो है सामान्य निवास। परिवार की एक खासियत यह भी होती है कि उनका एक निवास होता है जिसमें कि वो सभी लोग मिलकर आपस में रहते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं। सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता से तात्पर्य यह है कि जो भी परिवार है वो सार्वभौमिक रूप से मतलब जुड़ा होता है, वो जहाँ पर भी जाएगा उसकी उसकी पहचान उस परिवार से ही होती है। भावनात्मक आधार। देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है भावनात्मक आधार का होता है कि हम परिवार क्यों बनाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएँ हैं जिसकी पूर्ति वो स्वयं कर सकता है, बट भावनाओं की पूर्ति ऐसी एक चीज़ है जिसके लिए हमें परिवार का होना या परिवार का बनाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले में इन सारे दायित्वों को पूरा नहीं कर सकता है। हमें हर मोड़ पर कहीं ना कहीं भावनात्मक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमारे लिए परिवार बहुत ही जरूरी हो जाता है या आवश्यक एक अंग है हमारे जीवन का। नेक्स्ट है सामाजिककरण और प्रारंभिक रचनात्मक प्रभाव। सामाजिकरण और प्रारंभिक रचनात्मक प्रभाव तात्पर्य यह है कि परिवार ऐसी संस्था होती है जहाँ पर हम समाज के नियम कानून और हमारे समाज की जो भी मान्यताएं हैं उसको हम जन्म लेने के बाद अपने परिवार से ही सीखते हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम देखते हैं कि हम अपने परिवार के बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं या नियम हैं जिनको हम समझते हैं और उसी को हम आगे चल के क्या करते हैं कि उसको अपने अपने जीवन में हम शामिल करते हैं और आगे अपने जीवन पर भी उसे लागू करने का प्रयास करते रहते हैं। आठवां है आपका सामाजिक नियमन। सामाजिक नियमन तात्पर्य से सोशल रेगुलेशन कि जब हम जन्म लेते हैं और हम अपने परिवार से जो चीज़ें सीखते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम समाज के लोगों के साथ हमारा जुड़ाव बढ़ता है और सामाजिक नियमन मतलब उसको रेगुलेट करना, हम उन नियमों को जो भी हमने सीखा है उसे हम अपने अपने तक ही नहीं रखते बल्कि हम अपने समाज में भी उसको जाके उसको लागू करने का प्रयास करते हैं, या फिर हमारा परिवार जब होता है तो हम उन नियमों को अपने से उनमें ट्रांसफ़र भी करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली। परिवार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जिसमें तीन प्रकार हैं। पहला है न्यूक्लियर फैमिली जिसे हम केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार भी कहते हैं हिंदी में। दूसरा है आपका ज्वाइंट फैमिली जिसे हम संगठित परिवार कहते हैं। और तीसरा हमारा होता है एक्सटेंडेड फैमिली जिसे हम विस्तृत परिवार के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बात करेंगे कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। न्यूक्लियर फैमिली वो है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ और हस्बैंड वाइफ हों और साथ में उनके बच्चे भी हो सकते हैं, तो उस फैमिली को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फैमिली। देन दूसरा आपका है ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली का उदाहरण आप ऐसे देख सकते हैं कि जहाँ पर संगठित परिवार हो, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ के साथ साथ उनकी माता पिता, उनके बच्चे और चाचा चाची भी साथ में रहते हों और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जो कि उसमें शामिल होते हैं और वे एक ही घर में रहते हैं, ठीक है, तो उसे हम ज्वाइंट फैमिली कह सकते हैं। तीसरा जो प्रकार है हमारा एक्सटेंडेड फैमिली जिसे हम विस्तृत परिवार के नाम से जानते हैं। विस्तृत फैमिली वो होती है जैसे कि हम घर से दूर कहीं हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, वहाँ पर हमारा कोई रिलेटिव
भी हमारे साथ रह रहा है, जैसे कि या तो मदर के साइड का हो या फादर के साइड से हो, यानी उनके मम्मी पापा भी अगर उसमें हैं तो वो उसे हम एक्सटेंडेड फैमिली का नाम दे सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, चूँकि हम आज का जो हमारा चैप्टर है वो इस बात पर ज़्यादा फोकस करता है कि हम आईडी के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। आईडी मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो हमारे मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनके लिए इस परिवार की क्या भूमिका है, जो हमारा आज का चैप्टर का मेन फोकस है वो इस बात पर है कि अगर हम आईडी के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के बारे में बात करते हैं, तो ये न्यूक्लियर फैमिली उसमें क्या रोल अदा करती है, कैसे वो अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, उसके कुछ लाभ और कुछ हानियाँ हैं, उसको हम यहाँ समझने का प्रयत्न करेंगे। बौद्धिक अक्षम व्यक्ति जो है उसके लिए लाभ कैसे है, अगर न्यूक्लियर फैमिली में है बच्चा तो इसमें व्यक्तिगत रूप से देखभाल की जा सकती है बच्चे की। परिवार का आकार छोटा होने के कारण निश्चित व संगठित प्रशिक्षण संभव होता है। उचित स्रोत की उपलब्धि के कारण पुनर्वास कार्यक्रम स्थान ग्रहण कर पाता है। परिवार के सदस्यों की सक्रिय भूमिका के कारण परिवार हस्तक्षेप कार्यक्रम प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित किया जाता है। मतलब यह है कि अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में हैं, हमारा परिवार छोटा है, तो हमारे पास अगर कोई विशेष बच्चा है जिसकी विशेष आवश्यकताएं होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसके लिए समय दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा परिवार जब होता है तो हमारे लिए उसके लिए समय निकालना कई बार बहुत कठिन भी हो जाता है, क्योंकि परिवार की अन्य जिम्मेदारियाँ भी उस हमारे साथ जुड़ी होती हैं। उसी तरीके से जिस तरह से हमें लाभ है, कुछ उसकी हानियाँ भी हैं जो इस प्रकार से हैं। हानि क्या है कि अभिभावकों के कार्यरत होने की स्थिति में अधिक बोझ बढ़ जाता है, यानी कि जब आज का जो परिवेश है उसमें पति पत्नी दोनों ही कामकाजी हैं, वर्किंग हैं, वैसे में क्या होता है कि अगर हमारे घर में कोई विशेष बच्चा है या कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसकी उसके देखभाल का बोझ बढ़ जाता है कि हम उसकी देखभाल कैसे करेंगे। व्यक्तिगत, व्यावसायिक और भावनात्मक दबाव के कारण पेरेंट्स बच्चे को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा व्यावसायिक या इस तरीके के दबाव होते हैं, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, बच्चे को ही सबसे पहले साइड करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास इतने तरीके के काम होते हैं कि हम उस बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं। परिवार को सहारा न मिलने के कारण पेरेंट्स को भौतिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक अधिकार पर धक्का लगता है। जब परिवार छोटा होता है तो उन परिवार की जो बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं उन्हें कोई सहारा देने वाला नहीं होता। ऐसे में क्या होता है कि उनको भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से और सामाजिक तौर पर भी उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि वो उन चीज़ों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। अभिभावकगण की मृत्यु के पश्चात व्यक्ति जो कि बौद्धिक अक्षम है उसका भविष्य एक समस्या बन जाता है। सबसे बड़ी समस्या जो आती है एक मानसिक मंद बच्चे के साथ है, जिसे कि अब हम बौद्धिक अक्षम कहते हैं, वो यही होती है कि माँ बाप जब तक रहते हैं तब तक उनकी देखभाल तो करते हैं, लेकिन उनके चले जाने के बाद उनका क्या होगा, उनका जीवन कैसे कटेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, ये सबसे बड़ा एक होता है, एक चैलेंज होता है एक पेरेंट्स के लिए। वैवाहिक द्वंद्व या संघर्ष, वैवाहिक द्वंद्व, जब हम हमारे परिवार में कोई विशेष बच्चा आता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब घर में किसी नए बच्चे बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो हम सब की उम्मीदें ये होती हैं कि बच्चा एक स्वस्थ बच्चा हो आएगा घर में और घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, सभी लोग बड़े खुश होंगे। लेकिन उसके विपरीत परिस्थितियाँ कई बार ऐसी होती हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है और जन्म के पश्चात हमें ये पता चलता है कि बच्चा जो है सामान्य न होकर एक विशेष बच्चा है, और उस विशेष बच्चे की विशेष आवश्यकताएँ होती हैं और उस फैमिली की फिर विशेष समस्याएँ भी उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे कि उन समस्याओं को विशेष बच्चे के जन्म के पश्चात तो उस परिवार की विशेष समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, और उन विशेष समस्याओं को समझने के लिए या फिर उस विशेष समस्याओं का सामना करने के लिए एक पेरेंट्स को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है, क्योंकि उस समय हमारे पास जब जिम्मेदारियाँ अधिक होती हैं तो हमारे पास हैंड्स की, हमें लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और चूंकि जब हम न्यूक्लियर फैमिली में हैं हमारे पास बस हस्बैंड वाइफ ही हैं, तो वैसे में हम क्या करते हैं, भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं बहुत आहत होते हैं कि हमें जो ज़रूरतें हैं वो पूरा करने के लिए हमारे पास कोई नहीं है। अभिभावकगण सामान्यतः विशेषज्ञों पर निर्भर रहते हैं। इससे तात्पर्य यहाँ यह है कि जो पेरेंट्स होते हैं जब वो न्यूक्लियर फैमिली में हैं और उनके पास कोई विशेष बच्चा आता है
तो वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे की देखभाल के लिए वो प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, प्रोफेशनल्स पे उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है कि उनको किसी केयर टेकर की आवश्यकता होती है, या उन्हें इस पे उनकी अगर बच्चे को पढ़ने की उम्र हो गई तो उन्हें एक स्पेशल एजुकेट आवश्यकता है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं कि परिवार जो है धीरे 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 करके अपनी हर आवश्यकता के लिए प्रोफेशनल्स पे जो व्यावसायिक हैं उन पर उनकी निर्भरता बढ़ने लगती है। उनको लगता है कि अगर हमें जॉब पर जाना है तो हम अपने बच्चे को कहाँ छोड़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे डे स्कूल की तलाश करते हैं या किसी ऐसे हॉस्टल की जो डे केयर करें और बच्चों को अच्छे से देखभाल करें जिससे कि उनका जो कार्य है वो प्रभावित ना हो। अभी हमने इसके पहले न्यूक्लियर फैमिली के बारे में जाना, और एक जो कि काकी परिवार थे उसकी क्या समस्याएं हैं, उसके से क्या लाभ हैं और क्या हानि के बारे में समझा। अब इस पॉइंट में हम जो देखेंगे संयुक्त परिवार के क्या लाभ और हानि है एक बौद्धिक अक्षम बच्चे के लिए, क्योंकि बौद्धिक अक्षम बच्चा जब होता है तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें परिवार की आवश्यकता होती है। ऐसे में जब हमारा परिवार संयुक्त परिवार होता है तो हमारे घर में बहुत सारे लोग होते हैं जिससे हमारा जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं कि उनके उनके बीच बंट जाती हैं। बच्चे को अगर कुछ करना है तो परिवार का कोई सदस्य कर रहा है, कोई अन्य कार्य कर रहा है, तो ऐसे मिलजुल के जो हमारी दैनिक जीवनचर्या है जो वो अच्छे से पूरी हो जाती है, और जब पूरी होती है तो हम बच्चे पर अधिक से अधिक समय दे पाते हैं। बड़ों द्वारा जैसे हमने संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो संयुक्त परिवार में हमारे हस्बैंड वाइफ के अलावा उनके सास ससुर या उनके माता पिता वो भी उसमें जुड़े रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हमारे पास एक विशेष बच्चा आया होता है और विशेष तरीके की समस्याओं से हम गुजर रहे होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमारे आपसी रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में भी बहुत सारे तनाव वाली स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। कई बार हम होता है कि हम दो एक दूसरे को इसके लिए दोषी ठहराते हैं, या फिर हमारे जो रिश्ते होते हैं, हमारे जो वैवाहिक जीवन है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है जिससे हमारे आपस में अनबन बढ़ जाती है। बट अगर हम संयुक्त परिवार में हैं तो इसका परिणाम यह होता है कि अगर आपस में कोई अनबन भी होती है तो हमारे घर के जो सदस्य हैं, जो मुखिया हैं या जो भी बड़े हैं वो हमें कोई ना कोई ऐसा परामर्श देते हैं या कोई बीच का ऐसा रास्ता बताते हैं जिससे कि हम इन समस्याओं से बड़ी आसानी से बाहर आ जाते हैं और हमारा जो एक वैवाहिक जीवन है वो सुचारू रूप से फिर से चलने लगता है। जब हम ज्वाइंट फैमिली में होते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा जो अपने डेली लाइफ स्किल्स हैं उसको ADL जिसे एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग भी बोलते हैं वो बच्चा बहुत आसानी से सीख जाता है। अगर कोई मानसिक मंद बच्चा है या कोई भी विशेष बच्चा है तो वो जो परिवार के सदस्यों के बीच में होता है तो वो इन क्रियाओं को सबसे देख देख के, सबको देख के या सबके सपोर्ट से इन चीज़ों को सीखने में उसे आसानी होती है। बच्चा बहुत जल्दी डेली लाइफ की जो स्किल्स हैं उनको सीखने में बहुत जल्दी सक्षम होने लगता है और उनका सामान्यीकरण करना आसान होता है। सामान्यीकरण से तात्पर्य है कि जनरलाइज करना, जैसे बच्चे अगर मान लीजिए कि एक उदाहरण देखते हैं कि बच्चा ब्रश नहीं कर पाता है लेकिन वो परिवार के विभिन्न सदस्यों को देखता है कि वो सभी लोग सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं तो बच्चा भी क्या करता है कि खेल खेल में या किसी को देख के उस चीज़ को करने का प्रयत्न करता है। ज्वाइंट फैमिली में कई बार हमने ये भी देखा है कि बच्चों को खाना खिलाने संबंधी जो क्रियाएं होती हैं बच्चे बहुत आसानी से सीख जाते हैं क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। बच्चा जब भी किसी को खाते पीते देखता है तो बच्चा जाता है के साथ खाना खाता है या फिर कौन से आइटम खा रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं इसके बारे में पूछता है या वो पेरेंट्स उनसे बातें करते हैं परिवार के अन्य सदस्य, तो बच्चा भी उसकी लर्निंग जो है होती है वो बढ़ जाती है और बच्चा उन चीज़ों को बहुत इजी वे में सीख जाता है। संयुक्त परिवार पे उच्च सामाजिक अंतःक्रिया होने के कारण बच्चे का जो विकास होता है बौद्धिक विकास वो हम कह सकते हैं कि उसको वहाँ पर बहुत तरीके के एक्सपोज़र मिलते हैं जिससे कि उसमें उसको वृद्धि होती है। सपोज़ करिए कि कोई बच्चा है जो कि बोलने में सक्षम नहीं है, स्पीच संबंधी समस्या है, तो बच्चा जब कई लोगों के बीच में होता है तो वो सुनते सुनते भी कई बार उन सब चीज़ों को बोलने का प्रयास करता है, शब्दकोश बढ़ जाते हैं जिससे कि बच्चा आगे चल के बहुत सारी चीज़ों को बिना सिखाए भी सीख जाता है और उन चीज़ों को बोलने लगता है। बौद्धिक अक्षम व्यक्ति और संयुक्त परिवार हैं, इससे जहाँ कुछ लाभ हैं वहाँ कुछ हानियाँ भी हैं। उसकी हानियाँ क्या हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, उसके कुछ बिंदु हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ होते हैं तो बच्चों को के अंदर एक जिद करने की जो भावना होती है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, क्योंकि वो अक्सर देखा जाता है कि
जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हर बात में बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं। बच्चे का मनोबल कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो समझता है कि हमें कोई ना कोई बचाने वाला या हमें सपोर्ट करने वाला है, इस वजह से वो बहुत तरीके की छूट जो है अपने आप निर्धारित कर लेता है कि हम ये कार्य करेंगे तो हमें ये कोई बचाने वाला है या हमें समझाने वाला है, तो उसको बहुत ज़्यादा छूट मिल जाती है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है। जब बच्चे संयुक्त परिवार में हम होते हैं तो हम देखते हैं कि रीति रिवाज या फिर जो भी चीज़ मान्यताएं हैं, बच्चा उन चीज़ों को इतना ज़्यादा सीख जाता है कि वो उसको उसकी जो वैज्ञानिक दृष्टि होनी चाहिए उसके लिए, उसकी एक तार्किक क्षमता जो होनी चाहिए उस पर कई बार वो ध्यान नहीं देता क्योंकि वो इतना ज़्यादा उससे जकड़ा हुआ होता है कि वो उनसे बाहर नहीं आना चाहता है। और इस तरीके से वो कहीं न कहीं उसका जो जीवन है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होना स्टार्ट हो जाता है। परिवार के सदस्य सहानुभूति दर्शाते हैं जिससे कई बार पुनर्वास के जो कार्यक्रम है वो वैज्ञानिक प्रशिक्षण जो दिए जाते हैं पुनर्वास में वो लागू नहीं हो पाते हैं। जब बड़ा परिवार होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ स्थान की समस्या होती है, बड़ा परिवार है, ज़्यादा लोग हैं, अगर जगह छोटी है तो हमें उस बच्चे के लिए जो भी आइडियल्स या फिर जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए उसको एक अलग से एक रूम या उसकी जो व्यवस्थाएँ होती हैं उसके लिए हमें स्थान की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हम देखते हैं कि बड़ा परिवार है तो हमें उस स्थान की कमी के कारण भी हम उन कार्यक्रमों को भली भांति लागू नहीं कर पाते हैं। एकांतता में कठिनाई होती है क्योंकि बच्चे के लिए एकांत वातावरण नहीं मिल पाता है जिससे कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम आईडी बच्चे को पुनर्वास दे रहे होते हैं, पुनर्वास कार्यक्रम उसके चल रहे होते हैं तो उसे एक कंसंट्रेशन के लिए हमें एकांत जगह की आवश्यकता पड़ती है जहाँ बच्चा उन चीज़ों को सीख सके और फोकस कर सके। लेकिन जब बड़ा परिवार होता है तो उसे हानि यह होती है कि हमें वो स्थान या वो कंसंट्रेशन के लिए जो बच्चे को इन्वायरमेंट होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पाता है जिससे कि बच्चे का विकास भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि ज्वाइंट फैमिली होता है तो परिवार में इस तरीके की चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता जिससे कि जो बच्चे का वोकेशनल ट्रेनिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब बच्चे का क्या होता है, बचपन से हम बच्चे को कुछ ना कुछ पुनर्वास संबंधी चीज़ों को सिखाते रहते हैं ताकि बच्चा आगे चलकर किसी वोकेशन में भी उसकी स्किल्स को डेवलप किया जा सके। लेकिन हम कई बार ऐसा देखते हैं कि संयुक्त परिवार में इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता एक स्पेशल बच्चे पर, जिससे कि बच्चे का जो व्यावसायिक स्तर है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक बौद्धिक अक्षम बच्चे के विकास में हम ये कह सकते हैं कि परिवार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और परिवार में भी अगर हमारा न्यूक्लियर फैमिली है और या फिर हमारा जो संयुक्त परिवार है, एकाकी परिवार कह सकते हैं, या हमारा जो संयुक्त परिवार है, उन दोनों के बीच में अगर हम सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आईडी बच्चे का जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी स्लो हो जाता है और हम उसको भली भांति जो रिहेबिलिटेशन उसकी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इसका उपाय यही है कि हमें हमारे पास परिस्थितियाँ जो भी हों हमें उसमें एक संतुलन स्थापित करते हुए हमें अपने विशेष बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।